तो मैं हूँ अब्दुल राउत और पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको सिखाएंगे कि होममेड यूपीएस किस तरह बनाया जा सकता है। यूपीएस बनाने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा आम ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से डिफरेंट है। इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं आउटपुट में 12 और 12 वोल्ट, यानी इसे हम 12 बाय 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपको मार्केट से किसी भी जगह से आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए, जो हम इसमें ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं इसका नंबर है 1047 नंबर जो है ये 1047। ये ट्रांजिस्टर भी आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप 30 वॉट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। इसके साथ हमें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉयल चाहिए, और ये कॉयल जो इसकी प्राइम जो कि इसकी सेकेंडरी कॉयल है, इस सेकेंडरी कॉयल के हिसाब से इसका नंबर होना चाहिए। और ये जैसे अभी यहाँ पर सेकेंडरी कॉयल का जो नंबर है वो है 24, तो इसमें 24 नंबर की जो कॉयल है वो हम ले चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस ट्रांसफार्मर को आप देखें तो ट्रांसफार्मर में आपको बीच में गैप नज़र आ रहे हैं। आप उन गैप में से आपने कॉयलिंग करनी है। कॉयल कैसे करनी होगी, आपने जैसे इसके 12 बाय 12 के वोल्ट के निकले हुए हैं, इसी तरह आपने यहाँ से सेकेंड जो कॉयल बनाएंगे वो 1.5 वोल्ट की कॉयल बनेगी। और इसके लिए इससे सिंपल सा रूल है कि अगर आप इस पर 5 टर्न देंगे तो 5 टर्न से तकरीबन 1.5 से 1.6 वोल्ट पैदा होंगे। इसी तरह आप इसमें करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप कॉयल लीजिए और कॉयल को एक चीज़ देखेंगे कि आपकी जो ऑलरेडी सेकेंडरी कॉयल है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है, क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक। अगर क्लॉक वाइज है तो इसको भी आपने उसी तरह से वाइंड करना है। वाइंड करने से पहले आप उसके ऊपर एक पेपर रख लीजिए। जी अब हम इसकी तकरीबन 5 टर्न एक साइड कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंड आपको क्या करना होगा, इस कॉइल को आपने प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद आप इसको सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका सेंटर पॉइंट निकल आए। और उसके बाद दोबारा से आपने 5 टर्न जो है इसके ऊपर देंगे। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आप कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आपने इसको कंटिन्यू रखना है। और 5 टर्न इसके लिए आपकी काफ़ी होंगे। कितनी टर्न होगी, 2 टर्न होगी। अब हम इसको यहाँ पर कट कर दें और ये 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस कॉयल करने का मकसद ये है कि हम जो ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा पल्स जनरेट करने के लिए, इसको कोई एक्स्ट्रा वो हम सर्किट यूज नहीं करें, तो ये जो वायर है एक तो फ्रीक्वेंसी यानी पल्स जनरेट करेगा और दूसरा चार्जिंग में भी ये मदद करेगा। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हमने मेनबोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको किस तरह कनेक्शन इसके ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह करने है। इसको करने से पहले आपने इसकी बेस पता करनी है कि इसकी बेस कौन सी है। बेस मालूम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ट्रांजिस्टर को किसी भी एंड से पकड़ कर आपने रेड वायर मीटर को सेट करने का रेड पॉइंट को आप किसी एक कनेक्शन के साथ फिक्स कर देंगे और इनसे आपने रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आप नज़र आ रहा हो यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही। सेकंड चेंज करके देखा और यहाँ पर आने की रीडिंग आ रही, सेंटर पॉइंट पर भी आ रही और सेकंड पॉइंट पर भी आ रही।
इसका मतलब इसकी जो बेस है जहाँ पर मीटर काम कर रहा है ये इसकी बेस कहलाएगी, और इस बेस के साथ जब आपने बेस का पता चल जाता है इसको आपने साइड पे कर देना थोड़ा सा ताकि आपके देख में रहे। और ये याद रखिएगा कि अगर आप ट्रांजिस्टर को फ्रंट पे इस तरह रख के देखेंगे तो इसकी जो राइट साइड जो लेफ्ट साइड आ जाएगी वो इसकी बेस के लाएगी। अब सबसे पहले इसमें दो ट्रांजिस्टर लगाने, उसके बाद आपने इनके साथ कनेक्टिविटी करनी है और इसको सॉल्डिंग करने के पहले ताकि ये इसमें कोई भी मूवमेंट आने दें। जी अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे दो हमने वायर लगाई हैं और उसके बाद इसकी जो बेस है बेस पे दो वायर्स हमने लगा दी और उनके कलेक्टर्स को हमने आपस में ज्वाइन करना होगा। उनकी जो कलेक्टर है ये दोनों ये आपस में हमने उनको ज्वाइन कर दिया। आप इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर कि जो सेकेंडरी कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल में जो दोनों साइड की कॉयल्स हैं उनके साथ हम इसके सेंटर ट्रांजिस्टर की जो सेंटर वायर है उसके साथ हम अटैच कर देंगे और इस तरह दूसरी वायर इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद जो हमने कॉयल इसके ऊपर जो कॉयल हमने खुद से की थी इन कॉयल के साथ अभी हमें अटैच करनी होंगी वायर्स। और इसमें देखें सबसे साइड के जो पॉइंट्स हैं, साइड के पॉइंट पर जो बेस है जो हमने यहाँ से निकाली थी ट्रांजिस्टर की बेस को हम उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। सिंपल उनके साथ कनेक्ट कर दिए और सेकेंडरी कॉइल की जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ एक और वायर अटैच कर दी है। अब तीन वायर्स में याद रखिएगा सेंटर पॉइंट जो सेकेंडरी कॉइल का सेंटर पॉइंट है ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे और ये ब्लू और ये रेड पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसमें इसके साथ हीट सिंक लगाएंगे। हम ट्रांजिस्टर के साथ 1K की रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे और ये कहाँ पर लगाई जाएगी, अगर इसमें आप देखें तो जो ब्लू वायर है जो कि कलेक्टर था, कलेक्टर और उसके रजिस्टर के सेंट्रल पॉइंट के साथ हम इसको रजिस्टर ऐड कर देंगे। ये अब हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको और अब इसके हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। टेस्टिंग करने से पहले हमारे जो प्राइमरी कॉइल्स हैं इसके साथ हम 11 वॉट का एनर्जी सेवर हम अटैच करेंगे और इसको टेम्परेरी तौर पे हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। इसके सेंट्रल पॉइंट यानी पॉजिटिव पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ ज्वाइन कर दिया और इसके बाद इसके कलेक्टर्स को इस पॉइंट के साथ हमने अटैच किया और अब हम टेस्ट इसको डायरेक्टली नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं और ये देख सकते हैं कि आप एनर्जी सेवर पूरा ग्लो कर रहा है और ये 11 वॉट का एनर्जी सेवर जो है हमने बना लिया। एनर्जी सेवर नहीं बल्कि हमने 11 वॉट का इन्वर्टर बनाया है। अब इन्वर्टर को इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके रिलेस और दूसरी चीज़ें लगा के इसको हम UPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 25 वॉट का एनर्जी सेवर इसके साथ अटैच करते हैं
और चेक करते हैं कि ये काम करेगा नहीं। ट्वेंटी फाइव वाट का एनर्जी सेवर भी काम बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब ये 25 वाट तक, ये 25 से 30 वाट तक ये इन्वर्टर सपोर्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि 100 वाट के एनर्जी से जो बल्ब है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, क्या ये चल सकता है इससे? जी, 100 वाट का भी ये थोड़ा सा ग्लो किया है, लेकिन इसको हम ज़्यादा देर नहीं चला सकेंगे। इन्वर्टर की डायग्राम और इसकी मजीद डिटेल के लिए पाकिस्तान साइंस क्लब की वेबसाइट www.pakac.org पर विजिट कीजिए और हमारा फेसबुक फैन पेज भी ज्वाइन कीजिए। और कोई भी क्वेरीज चाहिए होगी तो हम आप ऑनलाइन हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@pakac.org पर। थैंक यू।